हाथरस जिले में नहीं रुक रहा झोलाछाप डॉक्टर का कहर। झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से कहीं ना कहीं किसी न किसी की जा रही है जान। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी झोलाछापों के लिए बने हुए हैं मौन। आखिर इन पर कब होगी कार्यवाही? हाथरस की जनता मांग पूछे सवाल। ये मामला मुरसान के रहने वाली 5 वर्षीय बच्ची की झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद मौत। परिजन बच्ची को लेकर पहुंचे हाथरस जिला अस्पताल। डॉक्टरों ने अस्पताल में बच्ची को अमृत घोषित। वहीं परिजन बता रहे झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से इलाज करने के कारण बच्ची की हुई मौत। क्या नाम भैया आपका? अभी आप अपने लड़के को अस्पताल में लेके आए हैं, क्या परेशानी है? बुखार था। तो रहने वाले कहाँ के हैं आप? वहाँ कहीं प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराया था आपने? क्या नाम है उनका? चंद्रमोहन। वहाँ फायदा नहीं हुआ? तो उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया था? बस बोतल चढ़ाई है उन्होंने सुबह। हाँ। अभी यहाँ डॉक्टर क्या बता रहे हैं? ले जाइए ना सर। क्या कह दिया डॉक्टरों ने? ले जाइए ना सर। क्या कह दिया डॉक्टरों ने? ले जाइए ना सर, कुछ है नहीं लड़की। अच्छा। हाँ। तो प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने के बाद में ये कंडीशन हुई है? हाँ, प्राइवेट में करवाया था। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुरसान के। कौन से डॉक्टर से इलाज कराया था आपने? चंद्रमोहन। उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया था? हम नासा में फंस ले गए थे, उन्होंने कहा कि लड़की की सीरियस हालत है, से ले जाओ और हाथरस में भर्ती कर दो ले जाकर। अच्छा। अब इस डॉक्टर के पास गए। क्या बोतल भी चढ़ाई थी उन्होंने? दो बोतल चढ़ाई थी लड़की के, बोतल चढ़ाने के बाद में पलटी हुई थी लड़की को। अच्छा। अब वो क्या बोल दिया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने ले जाइए। डॉक्टर साहब, अभी एक मुरसान से एक लड़की को लेकर के आए थे कुछ परिजन, क्या है पूरा मामला? ये बच्ची हमारे यहाँ मृत अवस्था में आई थी, परिवार वाले बता रहे थे कि इसको उल्टी दस्त हुआ था। मुरसान के पास कई लोकल डॉक्टर को दिखाया है, वो तो मैं भी चढ़ा रहा था, लेकिन बाद में ज्यादा दो तक लगी गया, लेकिन इसको मरे हुए कम से कम 15-20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। परिवार वालों को ये कहना कि वो तीन डॉक्टर के इलाज से उसकी मौत हुई है। हो सकता है कि जैसा ही बता रहे हैं कि उन्होंने बोतल चढ़ाई है, और छोटे बच्चों में बोतल बहुत संभाल के चलाई जाती है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो ज़्यादा तेजी से चढ़ जाएगी तो बच्चे के सीने में चला जाएगा, बच्चा खत्म हो सकता है। तो अब ये तो मैं नहीं बता सकता किस कारण से थी, लेकिन बच्चा मृत अवस्था में आया था इसका मुझे पता है, और शायद साइंसिंग भी हो रही थी। ये भी हो सकता है कि बच्चे को ज़्यादा तेजी से बोतल चढ़ा दी गई हो, या फिर उसको लेट चढ़ाई गई हो, दोनों अवस्था में डेथ होने की संभावना होती है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।